माय नेम इज़ रोथर रोथर इज माय नेम स्वागत है आपका इस चैनल सेगमेंट में सिद्दीकी साहब क्या नाम है तुम्हारा दानिश सिद्दीकी दानिश सिद्दीकी आए हुए हैं यहाँ पर और दानिश तुम्हारी अभी रैंक कितनी है एग्जैक्टली exactly?

तो इधर आ जाओ ताकि सबको दिखो हाँ जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज देखा था मैंने हा, और हा। आर जी पी वी जिसमें आई टी और सी एस की ब्रांच मुझे मिल सकती थी जबलपुर एंड आर जी पी वी आर जी पी, -वी. आर जी -पी -वी. अब देखिए इन्होंने क्या दो कॉलेजेस इसके अलावा कोई तीसरा कॉलेजेस नहीं इसके अलावा कोई तीसरा कॉलेज नहीं चलिए तो अब इसका मतलब ये है कि या तो इन्हें आर जी पी चाहिए या तो इन्हें जेई सी चाहिए राइट अब इन्हें आरजीपी भी चाहिए जेईसी चाहिए तो इन दोनों कॉलेजेस में से इन्हें कौन सा मिलेगा तो पहली चीज तो क्या है अब इन्हें इससे पहले जी एस आई टी एस राइट तो आप पहले ये डाल सकते हो रीजन क्या है ये मिलना नहीं है hmm. लेकिन आप इनको भर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है राइट एच जी एस आई टी एस का आप सी एस भर दीजिए आई टी भर दीजिए इसी भर दीजिए उसमें बायोटेक मिल रही थी पर बायोटेक नहीं तो आपको बिल्कुल भी नहीं इसलिए मैंने बताया कि सिर्फ तीन ब्रांचेस भरना है राइट कि आप यहां पर क्या श्योर कर रहे हो अपनी तसल्ली के लिए शायद मुझे मिल जाए hmm. हालांकि वो नहीं मिलेंगी राइट hmm. तो आप इन तीन ब्रांचेस को भर दोगे लेकिन अब आपने जैसे कि अभी सवाल उठाया मैं बायोटेक्नोलॉजी भर देता अगर बायोटेक्नोलॉजी भर देते और फिर आप सोच रहे होते कि मैं इंटरनली चेंज हो जाऊंगा तो पॉसिबल ही नहीं था नहीं। क्यों नहीं था आपकी रैंक ज्यादा थी इसलिए मैं बोलता हूं कि हमेशा ध्यान में रखना चाहिए इंटरनली और ये सारी चीजें ना आप कर दोगे तो फंस भी जाएगा अब मान लीजिए सादिक साहब अगर यहां पर सिविल भर देते मैकेनिकल भर देते इलेक्ट्रिकल भर देते आईपी भर देते बायोमेडिकल के अलावा आईपी भी है वहां पर हाँ। राइट आईपी भर देते तो इनको मिल जाती पक्का एक ब्रांच इस रैंक पे मिल जाती है तो बायोमेडिकल पे जाते हैं है। जब ये दो ब्रांचेस मिलती तो आप क्या करते अपग्रेड करते अगर आपको आईपी मिली थी मान लीजिए पांच मिनट के लिए कि आपको आईपी मिली है और ये महाशय अपग्रेड कर देते तो क्या मिलता आपको बायोटेक राइट तो देखो होशियार हो गया बच्चा गया, तो इसको मिल जाता बायो बायो राइट से यहां पर यहां से आपको अपग्रेड में क्या मिल गया? बायो मिल गया गया देखिए बड़ी आसान है क्लियर पता चलता है आपकी चॉइस फिलिंग से आप जब हमें चॉइस फिलिंग बताओगे ना तो मैं आपको बता दूंगा कि आपको ये ब्रांच मिल रही है जैसे कि ये भी समझ रहा है उस चीज को कि आपको क्लियर पता चल रहा है अपग्रेड कर दिया अब मान लीजिए बायोटेक्नोलॉजी मिल गई मुझे एस जी एस आई टी में अब मैंने उसको फिर से इंटरनली कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा ये ये ऊपर वाला सिविल है सिभिल? नहीं तो भी सिविल भी नहीं मिलेगा आपको इंटरनली में भी बायो रहेगा अच्छा राइट क्योंकि सिविल की जो रैंक है वो भाई यहाँ पर मान लीजिए साठ हजार जा रही, जा रही आपकी कितनी है राइट अब यहां पर क्या होता है कि मान लीजिए बीस सीटें इसकी छूटेंगी बीस सीटें इसकी छूटेंगी तो आपको मतलब बहुत ही दस परसेंट चांसेस है कि सिविल मिल जाए राइट तो इस कैलकुलेशन में रिक्स ज्यादा है हम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं भरेंगे और एच जी एस आई टी एस हाँ अगर आपको यहाँ पर ये पर्टिकुलर सिविल वगैरह चाहिए होता ये सारी चीजें चाहिए होती या hmm. तो, hmm. अच्छी अच्छी hmm. भेद करते राइट hmm. right? hmm. तब हम ये करते लेकिन अभी लेनी ही नहीं है आईपी पढ़नी नहीं है और फिर मिल गई तो दोनों तीनों के बाद आप वहीं फंस जाओगे इसीलिए हमने बोला कि so, चॉइस फिलिंग अब हम यही सेम चीज डीएबीबी के साथ करते हैं डीएबीबी में अगर ये चॉइस फिलिंग करेंगे तो हम यहाँ पर क्या भर देंगे सी एस और ईसी, और ई सीटी वहां पर ईसी नहीं है हाँ. और फिर आप क्या भरोगे कौन सी ब्रांच फिर तो मैकेनिकल सिविल उसमें इंटरेस्ट नहीं है ठीक है मैकेनिकल सिविल और एक और ब्रांच है e, EI. EI. तो देखो इसमें जो है ना पहले राउंड में भी इन्हें कोई कॉलेजेस नहीं मिलेगा बहुत कम चांसेस है कि कोई भी इनको मिले और मिल भी गया ले देखे तो आपको ये मिल जाएगा ई आई और ई आई से आपका ईटी e भी कन्वर्ट नहीं होगा राइट तो आपको अगेन अगर हमने यहां पर अपग्रेड भी किया तो भी अपग्रेड में फिर से ई आई आ जाएगा अगर मिल गया और नहीं मिला वो मान लीजिए अपग्रेड में ई आई आ जाएगा ई आई के बाद आपको इंटरनली भी चेंज कर दोगे तो भी कुछ नहीं आने वाला क्योंकि अगर आप फीमेल कोटा होते तो फिर अलग चॉइस फीलिंग होती आपके पास फीमेल नहीं है आपके पास सिर्फ है एक ईडब्ल्यूएस एस राइट सो so, अब आप क्या हो गए कि इंटरनली कर दिया कुछ भी कर दिया अब आप सिर्फ ईआई के रह गए तो अगर ईआई हमें चाहिए होगी तो ही ईआई चाहिए है तो वही भरेंगे सभी भरेंगे डीएबी भी, भी नहीं तो इसको भी हम कैंसिल कर देंगे अब चलिए हमारे पास अब आप आ जाते हैं अपने जो आपके मेन कॉलेजेस से कौन सा जेईसी जेईसी और आरजीबी अब देखिए जेईसी में सबसे पहले हमें देखा ये देखना है कि हमें कॉलेजेस कौन सा लेके चलना है तो जेईसी और आर इनका पहले से ही प्रेफरेंस है या तो जेईसी या आर अब पहला जो हम चॉइस फिलिंग करेंगे तो हमने भर दिया जेईसी का सी CS. दूसरा हमने भर दिया आई टी तीसरा हमने भर दिया ईसी राइट right? हमने ऐसा क्यों किया क्योंकि हमें पहली प्रेफरेंस जेईसी की थी दूसरा हमने भर दिया यहां पर आरजीपीवी का आई टी और अब हम अगर यहां पर ईसी डालेंगे तो वो हमें हंड्रेड परसेंट मिल जाएगा राइट right? अब अगर आप हंड्रेड परसेंट मिल जाएगा और आप आप अपग्रेड तो में भी ईसी ही मिल जाएगा देखिए अब यहाँ पर बड़ी दिक्कत है इसी हमने डाला इसी मिल गया अपग्रेड में भी ईसी ही मिला क्यों क्योंकि हमारी रैंक के हिसाब से और यही मिलेगा तो अब फिर से हमने अब हम अगर एडमिशन लेते हैं और इंटरनली करते हैं मतलब हमारा यहाँ रिक्स बढ़ गया ना राइट तो अब हमें मान लीजिए प्रायरिटी अगर ये नहीं है प्रायरिटी हमारी जेई है तो हम इसके बाद अब जो नंबर पर डालेंगे राइट हम यहां पर डाल देंगे जेईसी वापस आ जाएंगे जेईसी का ए आई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्योंकि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी भी चल सकता है राइट अब यहां पर मैंने क्या डाला था इसी इसी के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी अब यहां पर अगर मान लीजिए मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पहले चाहिए तो हम यहां पर इसको डालेंगे और यहां पर इसको डालेंगे इसी को राइट right? अब घुमा फिरा के 90% परसेंट चांसेस हैं या तो आपको ईसी मिलेगा या ईआई मिलेगा और मान लीजिए वो जो 10% परसेंट क्राइटेरिया है जिसमें आपको नहीं मिल रहा है तो हम यहां पर डालेंगे जेईसी मेक्रोटोनिक जैसे ही मैंने मेक्रोटोनिक डाला मुझे ये कॉलेज अलॉट हो गया राइट और जब हम फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कर रहे होंगे तो हमें मेक्रोटोनिक भी डालने की जरूरत नहीं है रीजन क्या है कि मेक्रोटोनिक और ये सारी ब्रांचेज हम डालेंगे सेकेंड राउंड में क्योंकि अगर हमें इंटरनली जाना है तो फर्स्ट राउंड में जाने का को कोई मतलब ही नहीं है राइट hmm. वो right? तो आप सेकंड में भी जा सकते हो भाई आप कोई भी ब्रांच लेके जा सकते हो तो यहां पर ये जो मैं बता रहा हूं मेक्रोटोनिक और दूसरी ब्रांचेज ये सेकंड राउंड के हिसाब से होगी फर्स्ट राउंड के हिसाब से क्या होगी हम चाहे तो अपना यहां तक भी छोड़ सकते हैं hmm. अगर आपको दस कॉलेजेस पूरे करना है तो आप डीए का भी डाल दो कुछ राइट right? उठा के सब में टी एफ डब्ल्यू टी एफ डब्ल्यू भी डाल दो दस चौस फिलिंग हो जाएंगे एंड देन फाइनली यहां पर अगर हम इसको छोड़ते भी भी हैं राइट सो हमें कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता है फर्स्ट में तो ऑटोमेटिक अपग्रेड में कोई ना कोई कॉलेज हमें अलॉट होगा गेटिंग माई पॉइंट तो चॉइस फिलिंग करने से पहले इन सारी चीजों का ध्यान रखो एंड दैट्स द रीजन मैंने इसका पूरा एक कोर्स बनाया हुआ है जिसमें सारी चीजें समझाई हुई है और कोई सवाल है आपका पूछिए वही आरजीपीवी और जेईसी में रिस्क रिस्क फैक्टर जिसमें कम है वो कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं है हंड्रेड परसेंट आपको यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि आरजीपीवी जी पी में भी भी, राइट आप यहाँ पर एडमिशन लेते हैं आपने कहा मुझे आईटी चाहिए ईसी चाहिए हुँ, राइट पहले से ही बड़ा क्लियर होता है चीजें आपकी चॉइस फिलिंग डिसाइड कर रही होती है कि आपको कौन सा कॉलेजेस मिलता है कोई भी रिक्स फैक्टर नहीं है ऑन कैमरा में बोल रहा हूँ ऑन कैमरा तुम्हारा बता रहा हूँ राइट right, तो जब तुम्हें कॉलेजेस पर्टिकुलर हम भरेंगे अगर आप उसी तरीके से चॉइस फीलिंग करते हो सो यू नो अगेन वी विल मेक ए अनदर वीडियो जिसमें हम बताएंगे कि भाई सिद्दीकी साहब आपको कौन सा कॉलेजेस मिला और ज़्यादा कुछ हुआ तो रिपोर्टिंग भी करा के आएंगे तुम्हें <laughs> और कुछ सवाल तुम्हारा Uh, नहीं और कोई सवाल तो नहीं था बस वही चूज uh, चूज कर रहा था मैं आज भी, भी अच्छा है कि जीईसी अच्छा है देखो जेई -E सी -E हाँ जेई -E क्योंकि एक नेटवर्क अच्छा है कई बार हाँ। क्या होता है ना कॉलेजेस का एलुमाना नेटवर्क जितना अच्छा होता है ये 90 का कॉलेजेस 1986 का का वो नाइनटीन का है सो नेटवर्क द इंदर से प्लेसमेंट की बात आती है ना तो जितना आपका बैकग्राउंड अच्छा है सपोज hmm. अभी मैं आपकी मदद कर रहा हूँ मान लीजिए राइट hmm. right? आप मेरे साथ हूँ कल को आप एक्स वाई जेड कंपनी में हो गए hmm. मैंने कहा कि यार देख लेना मेरा भाई है उसको लगाना है राइट right? आपसे मेरे कनेक्शन है ना हाँ. तो आप उसको ना नहीं कहोगे तो वहां पर जो भी लोग जाते हैं जेईसी से निकले हुए हैं वहां पर वो उनकी परिटी यही होती है कि चलो यार में भी हम कैंपस लेके जाएं तो हुँ. इसका बहुत प्लस पॉइंट मिलता है हमें अगर नेटवर्क बड़ा तगड़ा हो अब ऐसा भी नहीं है कि आग बंद करके बहुत पुराना कॉलेजेस किसी भी एरे गेरे को ले ले हुँ. भाई वहां पर देखो क्वालिटी भी दे रहा है ऐसा नहीं है से अच्छी क्वालिटी वो दे रहा है हमें राइट तो ऐसा भी नहीं है कि क्वालिटी नहीं मिल रही है दोनों चीजों को देखा जाता है एंड फाइनली उसके बेसिस पे हम करेंगे तो बहुत बेटर है आप इसको चूज कर सकते हैं हाँ, अगर आपको जबलपुर ही नहीं जाना है यहाँ पर कोचिंग सोचिंग करनी है और भी दूसरी है कि भाई आप थोड़ा सा मेट्रो सिटी को टारगेट करना चाहते हो कई बार, बार, बार अलग अलग पेरामीटर हो जाते हैं फिर आप आरजीपी भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं आई होप आपको भी क्लियर हुआ होगा इसी तरह की वीडियो देखने के लिए बने रही हमारे साथ और देखते रहिए हमें थैंक यू वेरी मच थैंक